नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज बहुत ही खास और अहम दिन है। योगी आदित्यनाथ आज यानी कि 25 मार्च आज दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। यूपी में 37 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 4 बजे होगा। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा देश के बड़े उद्योगपतियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन कर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। इसके अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को भी न्योता भेजा गया है। लखनऊ से इकाना स्टेडियम के बाहर साधु संतों का पहुंचना देर रात से ही शुरू हो गया है, तो वहीं स्टेडियम के बाहर जुटे ये साधु संत उज्जैन, वाराणसी समेत तमाम जगहों से पहुंच रहे हैं। साधुओं ने योगी मोदी के लिए गीत भी गाया। उन्होंने कहा, अब यूपी और देश में सुशासन होगा। तो लगातार सभी का पहुंचना बीती शाम से ही जारी है। सभी साधु संत भी पहुंच रहे हैं, योगी मोदी के लिए गीत भी गा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम तीर्थ स्थलों से ये साधु संत पहुंच रहे हैं। साधु संत उज्जैन, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, तमाम स्थलों से पहुंच रहे हैं और इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। आज इतिहास एक बार फिर रचा जाएगा, क्योंकि 37 साल का जो रिकॉर्ड था वो टूटा है। 37 साल बाद किसी सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और अब जब आज शपथ ग्रहण समारोह होगा तो कई लोग इसके साक्षी बनेंगे, जहां ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी स्क्रीन्स के माध्यम से, एलईडी स्क्रीन्स लगाकर तमाम लोगों तक इस शपथ ग्रहण के भव्य समारोह की झलक दिखाई जाएगी। तो वहीं इकाना स्टेडियम में कई बड़े उद्योगपतियों से लेकर साधु संत तक, तमाम बड़े बीजेपी नेता से लेकर विपक्ष तक, सभी इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले हैं। एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पद की शपथ लेंगे, जहां उत्तर प्रदेश, जो कि एक सबसे बड़ा प्रदेश है, इसको दुनिया का छठा देश भी कहा जा सकता है आबादी के तौर पर, इतना बड़ा ये प्रदेश है, और इसकी सत्ता फिर से योगी आदित्यनाथ आज संभाल लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की जो तैयारी थी वो अब पूरी हो चुकी है। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह में सभी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है, जहां 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो वहीं सभी को 3:15 पर पहुंचने की सलाह दी गई है। सबसे आग्रह किया गया है कि 3:15 तक सब अपनी स्थल पर पहुंच जाएं, निर्धारित सीट पर विराजमान हो जाएं, और ताकि किसी भी तरह का उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जब वीवीआईपी प्रस्थान करेंगे, जब वीवीआईपी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे तो किसी असुविधा का सामना ना हो किसी भी व्यक्ति को, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आम जनता के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं, जो कि इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद है। अजहर, एयरपोर्ट पे बीती शाम से ही सभी का आना शुरू हो चुका है, अब तक कौन कौन आ चुका है? बनाने के लिए तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, चाहे वो भाजपा अथवा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंचने वाले हैं। लगभग 10:15 नितीश धामी यहाँ पर पहुंचे थे, और इसके बाद अब लगभग 11 बजे नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचे हैं, और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हैं भाजपा शासित प्रदेश के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और लगभग अब जो वीवीआईपी का आने का टाका जो है लगता जा रहा है, लगभग अब धीरे धीरे तमाम वीवीआईपी यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, साधु संतों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। अब तक कहां कहां से साधु संत आ चुके हैं और कहां कहां से आने की अभी आशंका जताई जा रही है? सर, जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम यहां पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तमाम देश के तमाम जगहों से जो साधु संत हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो काशी हो, शुरू हो गया है। और लगभग जी, अगर अगर बात करी जाए अयोध्या से, तो अयोध्या से कौन आने वाला है साधु संतों में?
बिल्कुल ठीक है, आपको बताना चाहेंगे बिल्कुल जी प्रमुख में जो यहाँ पर और उनके साथ साथ तमाम जो कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और चर्चा करेंगे। तो अब लगती धीरे धीरे वो चुनाव में लगता जा रहा है, लोग निकलते जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो बसों से वो लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। धीरे धीरे लगभग 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है और धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का साधु संतों का तमाम उनके भारतीय जनता पार्टी को समर्थित। सर अगर बात करी जाए, कई बड़े उद्योगपति, कई सेलिब्रिटीज आज आ रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो उनकी सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है, तो ऐसे में जो एयरपोर्ट है उसका माहौल कैसा है, क्या वहां पे आम लोगों को भी सुविधाएं मिल रही हैं या फिर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा सख्त होने की वजह से किसी तरह की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है जनता को? जैसे कि अंबानी ग्रुप हो या तो अडानी ग्रुप हो या तो टाटा या बिरला ग्रुप हो, तमाम ऐसे बड़े उद्योगपति आज यहाँ पर पहुंचे। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पूरे इंतजाम करने में पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है और उसके साथ साथ यात्रियों के जहाज भी यहाँ पर मौजूद है, कई फल भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पुलिस के तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए हैं और उद्योगपति के साथ साथ कई कई मुस्ताद भी यहाँ पर पहुंचे, सुधार जो है तो तमाम ऐसे बड़े कलाकार भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके साथ साथ कई बड़े नेता भी पहुंचे। अभी फिलहाल अगर अति विशिष्ट जो अतिथि है वो फिलहाल अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, जैसे कि कृष्ण सिंह धामी अभी यहाँ पहुंचे हैं लगभग 11 बजे आज भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे लेने के लिए तमाम से कार्यकर्ता हैं उनसे यहाँ पर भेजे हैं। सीबीआईटी जो हाउस है सभी का जो है उसके का इंतजार किया गया है और उसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर उसकी लेने वाले हैं। उसको लेकर आपको बताते चले लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर राष्ट्रीय स्टेशन के रूट से कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। पूरी तरह से तमाम लोग जो इस समारोह में शामिल होने आ रहे हैं उनके स्वागत का भी पूरी तरह से इंतजाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। जी अगर बात करी जाए कार्यकर्ताओं की, तो क्या उन्हें जाने की अनुमति रहेगी? जिस तरह से 12 सूत्री दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कार्यकर्ताओं के लिए, हवन पूजन करने के लिए भी बोला गया था, साथ ही अपनी गाड़ी पे भाजपा के झंडे लगा के आने के लिए बोला गया था, और किस तरह से उन्हें अनुमति मिलेगी इस कार्यक्रम में शामिल होने की, क्या क्या गाइडलाइंस दी गई है कार्यकर्ताओं के लिए? अजहर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे उनको भी उनसे मिलने वाली उसके अलावा किसी को भी उनकी नियोजित मिलेगी। तो प्रदेश के शांति रीति जिस तरीके से आज वो डायरेक्शन दिया गया है जो काफी जोर से सीखा, अगर शहर के लिए आपको जा रहा है तो फिर वो चारबाग से होकर आलमबाग से होकर मतलब कुछ इलाके में सुखाना स्टेडियम का जो रूट है, जो सभी बस का जो रूट है, यहाँ पे फिलहाल आम जो वैसे है उनका पूरी तरह से उनको प्रतिबंधित कर दिया। जी एयरपोर्ट की बात करी जाए तो एयरपोर्ट पे आम दिनों से हटकर आज क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है अजहर, और किस तरह से पुख्ता की गई है सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट की? पूरी तरह से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है वो करेंगे। आमतौर से आज की अगर बात की जाए
तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था का स्वागत है। एयरपोर्ट के अंदर जो चौराहों को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पूरी तरह से पुलिसल करना है जी। अजहर, पूरा रूट आज डाइवर्ट रहेगा तो क्या सुबह से ही रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं और क्या क्या असुविधा का सामना करना पड़ रहा है रूट डाइवर्ट होने की वजह से जनता को? अजहर बिल्कुल सुबह जिस तरीके से सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक जो रूट डाइवर्ट फिलहाल जनता को असुविधा का सामना इसलिए नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि आगे बढ़ेंगे वहाँ से बिल्कुल सिंहत और या तो कमता साइड वो इलाका को छोड़ने वाला है, लेकिन उससे कोई भी असुविधा यात्रियों को इसलिए जरूर होगी क्योंकि उन्हें थोड़ा सा घूम कर जाना पड़ सकता है क्योंकि एक हाईवे का रूट है, इसलिए कुछ असुविधा जरूर देखने को मिलेगी। और खासतौर पर जो DGIT मूवमेंट होता है जो यातायात पूरी तरह से रोक दिया जाता है, ट्रैफिक किस तरह से रोक दिया जाता है, इसको लेकर आज ये पूरा दिन जो DGIT मूवमेंट है उसके अंदर जो चलता रहेगा इसको लेकर लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस खबर पे संवाददाता विभांशु भी जुड़ चुके हैं, लखनऊ से सीएम आवास के पास से मौजूद हैं। विभांशु, आज जिस तरह से भव्य कार्यक्रम हो रहा है और शपथ ग्रहण समारोह के बाद भोज का आयोजन भी किया गया है सीएम आवास पे, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है इस वक्त सीएम आवास पे? जी शिखा, अगर बात करें तो आज के शपथ ग्रहण समारोह के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने सीएम आवास पे विधायकों को आज भोज पे न्योता दिया है, जिसमें साफ तौर पर यह संदेश है कि सरकार बनाने के बाद एक औपचारिक रूप से एक साथ में खाने खाने की प्रोग्राम रखी गई है, जिसमें तमाम विधायक और मंत्री आएंगे, जिन्हें आज जिनकी ताजपोशियों के साथ साथ राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद होंगे। और वहीं अगर बात करें तो आज के भोज की, तो आज के भोज को मुख्यमंत्री आवास 5KD पे आयोजित किया गया है। देखा जी, अगर बात करी जाए पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी के रुकने का प्रबंध कहाँ किया गया है? असर विभांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज कई बड़े नेता आ रहे हैं और सभी के रुकने का प्रबंध किया गया है, तो पीएम मोदी के रुकने का प्रबंध कहाँ किया गया है? जी, अभी अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जो कि एक ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हैं जिनको एक प्रोटोकॉल के तहत रखा जाता है, उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी इसकी सूचना नहीं मिली है कि प्रधानमंत्री वास विश्राम कहाँ करेंगे, मगर माना जा रहा है कि उन्हें सरकारी आवास में जो ठहराया जा सकता है और साथ ही साथ इसकी व्यवस्था जो है कि राज्य सरकार की होगी। और वहीं अगर बात करें तो अन्य मेहमानों के लिए लगभग 5,000 कमरे बुक किए गए हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो VIP VVIP, चाहे बात करें तो सर्किट हाउस, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे परिवहन विभाग, हर एक विभागों के जो गेस्ट हाउस है उनको बुक किया गया, और साथ ही साथ अन्य मेहमानों के लिए निजी होटलों में भी कमरे लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 5,000 कमरे बुक किए गए लखनऊ के अंदर में, जिससे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लखनऊ के जो भी होटल निजी है, चाहे बात की जाए निजी होटलों में हयात, चाहे बात की जाए ताज विवांता की, तो सभी होटलों के कमरे को इस आज के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था को लेकर आज बुक किया गया है। वहीं अगर बात करें तो कल अमित शाह उत्तर प्रदेश में आ गए थे और वो पर्यवेक्षक हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के और सरकार के गठन को लेकर, तो कल उन्होंने काफी भूमिका निभाई, तो वो भी कल से यही रुके हुए हैं। और साथ ही साथ ऐसे कई सारे मेहमान हैं, चाहे फिल्म जगत से अक्षय कुमार की बात की जाए तो ऐसे कई सारे चेहरे लखनऊ में आके अपना डेरा डाल चुके हैं और आज 2:30 बजे वो शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। जी जी विभांशु, सभी बड़े नेता पहुंच तो रहे हैं लेकिन सभी का जो समय सीमा होती है वो निर्धारित होती है, सभी के कार्यक्रम निर्धारित होते हैं। बात करी जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, जेपी नड्डा की, तो ये लोग कब तक लखनऊ में रुकने वाले हैं और इनके क्या क्या कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह के अलावा? जी शिखा, अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट आएंगे, एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से इकाना के ठीक बगल में बने मिनी स्टेडियम में उनका हेलीपैड बनाया गया है। साथ ही साथ उनके माना जा रहा है कि अमित शाह भी सड़क रास्ते ना आकर हेलीकॉप्टर से आएंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। वहीं अगर बात की जाए तो इन तमाम नेताओं के रुकने की और इनके कार्यक्रम की, तो सरकार बनने के बाद हो सकता है कि एक बैठक की जाए, जिस बैठक में ये तय किया जाए कि आने वाले 5 साल हम काम कैसे करेंगे, किन नीतियों के साथ करेंगे और किस
सोच के साथ इस जो 5 साल की सरकार है जिसमें इन्होंने एक मोटो दिया था, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो इन सब नीतियों को चर्चा की जाएंगी कि आखिर कैसे हम काम कर सके। वहीं अगर बात करें तो 40 से 45 मंत्री शपथ लेंगे, तो वहीं अगर ये भी माना जा रहा है कि आज के मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक भी ले सकते हैं सूबे के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें वो तय करेंगे। जी अजहर, अगर बात करें जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो चाक चौबंद की गई है, लेकिन अगर एक ही रास्ते से आम जनता और वीवीआईपी आएंगे तो सुरक्षा में खलल पड़ सकती है, तो क्या इसको देखते हुए कुछ अलग रास्ते भी बनाए गए हैं ताकि वीवीआईपी अलग रास्ते से आ सके? अजहर, शुरू होती है तो आम जनता का आना जाना है वो पूरी तरह से रोक दिया जाता है। जैसे हम एयरपोर्ट चौराहे की बात करें, जैसे ही वीआईपी मूवमेंट शुरू होता है, वीआईपी गुजरते हैं तो पूरी तरह से जो आम यातायात है वो रोक दिया जाता है। और बात करें आज की तारीख में, जब एयरपोर्ट से होकर जब वीआईपी की जाना स्टेडियम की तरफ पहुंचेंगे तो वहां से लगभग सभी पद का जो रास्ता है आगे किलोमीटर कहीं उसके बाद डर होने के बाद सीधा रास्ता स्टेडियम के लिए जाता है, तो वहाँ पर आज पूरी तरह से जो आम वोटर्स हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी ऐसा शख्स वहाँ पे नहीं जाएगा जो वहाँ पे कार्यक्रम में शामिल ना होने वाला हो। उसके अलावा बाकी जो शहर का इलाका है, चाहे वो आलमबाग से लेकर महल से लेकर चारबाग का इलाका हो, तो पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन जब वीवीआईपी मूवमेंट शुरू होगा तो पूरी तरह से जो आम वोटर्स हैं वो पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। विभांशु, अगर बात करें जो बीजेपी कार्यालय की, तो वहां पे इस वक्त कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, कौन कौन इस वक्त मौजूद है बीजेपी कार्यालय में? पूरा माहौल खुशी का है और प्रदेश भर से कार्यकर्ता आज भाजपा कार्यालय और 24 घंटे पहले कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। हर एक विधानसभा से कार्यकर्ता आ रहे हैं, वही जो नहीं आ रहे हैं वो सुबह आज पूजा अर्चना कर रहे थे। वही अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्थित मंदिर में भी कार्यकर्ताओं ने सुबह पूजा अर्चना की। और वहीं अगर बात करें तो जो भी विधायक चुनाव जीत कर आए हैं वो कल से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। 273 विधायकों की टीम जो सरकार बनाने का प्रस्ताव देने के बाद विधायक दल का नेता चुना गया, वो सभी विधायक लखनऊ में अपने आवास में रुके हुए या फिर निधि या अपने स्वयं प्रबंध पे। वहीं अगर बात करें तो आज सुबह से बीजेपी में विधायकों का आना जाना जारी है, वहीं उनके साथ पदाधिकारी कार्यकर्ता सब काफी उत्सुक दिख रहे हैं सरकार बनने को लेकर। वहीं आपको बताना चाहेंगे शिखा कि आज कुछ मंत्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें लगभग 50 ऐसे विधायक हैं जो चुन के आए हैं, 50 विधायक और उनके साथ एमएलसी है, और 20 पदाधिकारियों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। 70 लोग का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। तो इससे माना ये जा रहा है कि जो मंत्री शपथ लेंगे उनके गुप्त तरीके से उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है। अब वो टेस्ट की रिपोर्ट अगर आती है तो नाम अभी खुल जाएगा कि कौन मंत्रिमंडल का शपथ ले सकता है। मगर आप देख सकते हैं कि एक कोरोना के प्रोटोकॉल जो कि 31 मार्च तक अभी प्रोटोकॉल को वैसे ही रखा गया है, और सभी प्रोटोकॉलों को ध्यान में रखते हुए आज पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जो मंच साझा करेगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाला विधायक हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे पदाधिकारी हो, सबका 24 घंटे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया है। उस टेस्ट के माध्यम से ये देखा गया है कि कोई कोरोना पॉजिटिव किसी के संपर्क में ना आ सके और ये महामारी किसी को ना फैल सके। जी शिखा, जी बिल्कुल, जिस तरह से निमंत्रण भेजे गए हैं तो जिस व्यक्ति के लिए निमंत्रण है वो एक निमंत्रण पे कितने व्यक्ति आ सकते हैं विभाजु? जी अगर बात करें तो एक निमंत्रण पे बस एक ही व्यक्ति आ सकता है। सबको बात की जाए तो जो जिस हिसाब से है, जिस पदाधिकारी का पद जैसा है उस हिसाब से उसके उसके निमंत्रण गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो सामाजिक कार्यकर्ता या समाज के जुड़े वकील से या शिक्षक से या किसी प्रकोष्ठ का आदमी हो, उसको वो अगर वो एक सम्मानित जगत में अपना पहचान बनाया है तो उसको भी आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल महोदया महामहिम उनकी तरफ से उन्हें निमंत्रण गया है। वहीं अगर बात करें तो पूरे निमंत्रण का काम आपके लोक भवन से हुआ है, जहां पत्रकार से लेके हर एक तबके को दिया गया है। वहीं भाजपा के अंदर से कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष के माध्यम से
निमंत्रण भेजा गया है जिसमें कार्यकर्ता भी शिरकत कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि स्टेडियम में की क्षमता के अनुसार अगर 55,000 वहाँ क्षमता है तो वहाँ 25,000 के करीब अस्थायी कुर्सियां लगाई गई हैं और वही 500 VIP लगाई गई है। तो माना ये जा रहा है कि लगभग 70 से 80 हजार भीड़ हो सकती है जिसमें हर एक विधानसभा से आए हुए कार्यकर्ता हैं। और जो कार्यकर्ता नहीं आ पा रहे हैं वो LED स्क्रीन के माध्यम से जो अपने जिले का कार्यालय है वहां से देख सकेंगे। साथ ही साथ समर्थकों के द्वारा भी LED स्क्रीन लगाई है। वही गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, काशी समेत तमाम जगहों पर भी LED स्क्रीन लगाई गई है जहाँ से कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह को देख सकेंगे और उसमें वर्चुअल तरीके से शिरकत कर सकेंगे। जी विभांशु, हमने लखनऊ की तस्वीरें तो देखी, लखनऊ की सड़कें भी देखी, किस तरह से बीजेपी मय हो गई है, भगवा झंडों से सजी हुई हैं। अगर रात में सड़कों पे निकलते हैं तो दिवाली जैसा माहौल देखने को मिलता है, झालरों से सजा दी गई है पूरी सड़कें। लेकिन अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश के बाकी राज्यों की, माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की, तो वहां पे किस तरह का माहौल देखने को मिला है, वहां पे कैसी सजावट देखने को मिल रही है? जी शिखा, अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ के शहीद पथ चौराहे को, शहीद पथ कामका से और एयरपोर्ट तक को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बंद कर दिया गया। वहीं विगत हफ्ते दिनों से वहां सफाई और फूल लगाने के काम चल रहे थे। वहीं अगर बात करें तो एयरपोर्ट से और इकाना स्टेडियम को मानो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। वहीं अगर बात करें जिलों की तो जिलों के हर एक कार्यालय या फिर प्रमुख चौराहों पे भाजपा के झंडों से पट दिया गया है, पोस्टरों, बधाई संदेश के पोस्टरों से पट दिया गया है। चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश के आपके सावली से, चाहे बात की जाए आपके बलिया तक, हर एक जिलों में, 75 जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा चौराहों को सजा दिया गया है। भाजपा के थीम बेस पर आज चौराहों की सजावट की गई है। वहीं अगर बात की जाए तो भाजपा के कार्यालयों को भी सजाया गया है, जैसे कि दिवाली में सजाई जाती है लाइट से लेकर। और वहीं अगर बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद कार्यकर्ता वहां है, हर बार की तरह चाहे जो सत्ता आती है झूमते हैं, नाचते हैं और अपने खुशी का इजहार प्रकट करते हैं। तो आज कार्यकर्ताओं के लिए होली, दिवाली और हर त्योहार एक जैसा आज उनके लिए है। जी, तो कई बड़े नेता आ रहे हैं, कई बड़े चेहरे होंगे इस भव्य समारोह में, बड़े उद्योगपति भी होंगे। अगर उद्योगपतियों की बात करी जाए, कौन कौन पहुंच चुका है इस वक्त उत्तर प्रदेश? जी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की धरती पर आज के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर में अमिताभ बच्चन भी आ सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो सब अपने व्यक्तिगत फ्लाइट से आ रहे हैं या फिर वो जो भी उद्योगपति या फिल्म जगत के लोग हैं वो आ रहे हैं। जैसे हरियाणा के CM की बात की जाए तो वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के चार्टर्ड प्लेन से आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की तो वो भी अपने व्यक्ति निजी चार्टर्ड प्लेन से आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए श्री कुशक बजाज की तो बजाज के जो मालिक है वो बजाज एविएशन जो कि खुद की एविएशन से आ रहे हैं। वहीं अगर अमिताभ बच्चन की बात की जाए तो रिलायंस ट्रांसपोर्टेशन से आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ये माना जा रहा है कि ये सभी, चाहे उद्योगपतियों की बात की जाए, चाहे बीजेपी शासित मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, तो ये सभी नेता या उद्योगपति शपथ ग्रहण से पहले आ सकते हैं। और माना ये जा रहा है कि 12 बजे तक आ सकते हैं और किसी निजी होटल में रिफ्रेशमेंट लेने के बाद वो एयरपोर्ट का रास्ता है, एयरपोर्ट से इकाना में मौजूद रहेंगे। जी विभांशु, कई बड़े उद्योगपति जो कि अपने प्राइवेट प्लेन, प्राइवेट जेट से आ रहे, कई बड़े मंत्री भी अपने प्राइवेट प्लेन से आ रहे, तो उनके लिए अलग से हेलीपैड बनाए गए हैं, क्या कुछ तैयारी है? जी शिखा, अगर बात करें तो आज जो अमौसी एयरपोर्ट है वो अस्थायी बेस कैंप के तौर पे देखा जाना चाहिए। वहाँ आज तमाम जगहों से जो फ्लाइट है, हेलीकॉप्टर है, वो वहाँ से गरज के उतरेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो लगभग वहाँ पे आज 30 के करीब ऐसे रो बनाए गए हैं जहाँ VVIP जो शपथ ग्रहण से संबंधित चौपर है या हेलीकॉप्टर है या किसी भी तरह का हवाई दस्ता है वो वहाँ लैंड कर सकेगा। वहीं अगर बात करें तो इसको देखते हुए आसपास की जो फ्लाइटों की संख्या है उसको भी कम की गई, रूट को डाइवर्ट किया गया है। जैसे सड़कों को डाइवर्ट किया गया ठीक वैसे एयर रूट को भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि जो 12 बजे से और 7 बजे 8 बजे का समय रहेगा इसमें VVIP आते जाते रहेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि कुछ फ्लाइटों को कैंसिल भी की गई है, ऐसा अभी पुष्टि नहीं हुई है, मगर सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है कि कुछ
फ्लाइटों को भी कैंसिल की गई है रूट पे भारी लोड को लेकर। तो इकाना स्टेडियम में सिर्फ पीएम का ही हेलीकॉप्टर लैंड करेगा या फिर किसी और को भी अनुमति रहेगी? जिस तरह अगर बात करें तो इकाना स्टेडियम के ठीक पीछे फुटबॉल का मिनी स्टेडियम है जहां पे 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। उन हेलीपैड पे जो भी प्रोटोकॉल संबंधित नेता लोग होंगे या फिर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे बात की जाए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चाहे बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह, तो ये सब बड़े नाम वहाँ हेलीपैड के प्रयोग में आ सकते हैं क्योंकि ये एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं और इनके प्रोटोकॉल के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर से ही आएंगे। मगर वही बात की जाए तो उद्योगपति, फिल्म जगत या अन्य कपके के जो लोग आ रहे हैं, चाहे बात की जाए संतों की जो देश भर से आ रहे हैं, तो वो सभी सड़क मार्ग के वास्ते आएंगे देश का। और विभांशु, अगर बात करी जाए कान्हा स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था की, तो ड्रोन कैमरों से तो नजर रखी जाएगी, साथ ही साथ क्या कुछ निर्देश दिया गया है मेहमानों को अपने साथ, क्या नहीं लेकर आना है, क्या ला सकते हैं? जी शिखा, अगर बात करी कान्हा स्टेडियम को तो वो अस्थायी छावनी में तबादला हो चुकी है। पुलिस का हर एक दस्ता वहां मौजूद है, चाहे बात की जाए बम निरोधक दस्ता की, चाहे बात की जाए यातायात, चाहे बात की जाए आरएएफ, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स की बात की जाए, चाहे बात की जाए वहां से बीएसएफ के जवान या फिर ब्लैक कमांडो की, हर एक सेना की टुकड़ी वहां। रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, योगी सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है, इस बार भी 2 ही डिप्टी सीएम होंगे, महेंद्र सिंह का कद बढ़ाया जाएगा सूत्रों के हवाले से खबर, ब्रजेश पाठक का भी कद बढ़ाया जा सकता है, राजेश्वर सिंह और दया शंकर भी मंत्री बनेंगे, नई सरकार में पुराने मंत्री होंगे रिपीट, 10 नए विधायक मंत्री बनाए जाएंगे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, 48 मंत्री शपथ ले सकते हैं सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, 48 मंत्री शपथ ले सकते हैं, योगी सरकार में 2 डिप्टी सीएम ही रहेंगे सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, महेंद्र सिंह का कद बढ़ाया जाएगा सूत्रों के हवाले से खबर है, ब्रजेश पाठक का भी कद बढ़ सकता है बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, राजेश्वर सिंह और दया शंकर का भी पद बढ़ सकता है, मंत्री बनाए जा सकते हैं, नई सरकार में पुराने मंत्री रिपीट होंगे, 10 नए विधायक मंत्री बनाए जाएंगे बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, 48 मंत्री शपथ ले सकते हैं सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, योगी सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, ऐसा माना जा रहा था कि इस बार 3 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं और महेंद्र सिंह का कद बढ़ाया जा सकता है सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, ब्रजेश पाठक का भी कद बढ़ सकता है, साथ ही साथ राजेश्वर सिंह और दया शंकर भी मंत्री बनेंगे, नई सरकार में पुराने मंत्री रिपीट होंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, 10 नए विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं, 48 मंत्री शपथ ले सकते हैं सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है, योगी सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, महेंद्र सिंह का कद बढ़ाया जाएगा, ब्रजेश पाठक का भी कद बढ़ सकता है, राजेश्वर सिंह और दया शंकर भी मंत्री बनेंगे, नई सरकार में पुराने मंत्री रिपीट होंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है, 10 नए विधायक मंत्री बनाए जाएंगे, 48 मंत्री शपथ लेंगे, हमारे साथ विभांशु जुड़े हुए हैं, विभांशु पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं इकाना में? जी शिखा, अगर बात करें तो इकाना स्टेडियम को अस्थायी छावनी में तबादला कर दिया गया है, सुरक्षा के हर एक पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, वहाँ 3 वेदी सुरक्षा चक्र बनाया गया जिसमें सेना के अलग एजेंट, चाहे बात की जाए तो यूपी पुलिस जो कि सड़क पर उनकी जिम्मेदारी दी गई है सड़क संभालने की, और साथ ही साथ वहीं अगर बात की जाए तो ब्लैक कमांडो से लेकर आरएएफ से लेकर हर एक सुरक्षा का जो दस्ता होता है वो मौजूद रहेगा, बम निरोधक दस्ता को भी लगाया गया है, वहीं अगर बात की जाए तो आपके मेटल डिटेक्टर से जो आगंतुक अंदर आएंगे उनकी भी जांच की जाएगी कि उनके पर्स बैग में क्या है, और वहीं साथ ही साथ आपके टेम्परेचर लेने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए टेम्परेचर भी लिए जा रहे हैं, वहीं अगर देखा जाए तो आज के समारोह में ऐसे कई जगहों पर ब्लैक कमांडो खड़े रहेंगे जिनकी निगरानी स्नाइपर से की जाएगी, स्नाइपर के माध्यम से वो ऊंचे जगहों पे अपना स्थान लेकर और हर एक गतिविधियों पे नजर रखेंगे, और वहीं अगर देखा जाए तो
आपके हर एक सुरक्षा इंतजाम के साथ साथ जो मेहमान होंगे तो वेपन लेकर, जो अन्य नागरिक होंगे वो वेपन लेकर उनके प्रवेश पर वर्जित रहेगा। वहीं साथ ही साथ धारदार हथियार या ऐसे जो भी चीज है या ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि आपके माचिस लाइटर समेत तमाम ऐसी चीजों को भी गेट पे ही चेक करके उन्हें वापस लौटा या फिर उन्हें उनके सामान को जब्त करने का काम किया जाएगा और फिर एंट्री मिलेगी। और वहीं अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती होगा क्योंकि 55,000 जो दर्शक आ रहे हैं जो उन स्टेडियम को कुर्सियों में बैठेंगे उनकी जांच करके और उन्हें अंदर भेजने में। वहीं अगर बात की जाए तो महिला पुलिस को भी जिम्मेदारियां दी गई है, साथ ही साथ यातायात से लेकर हर एक जगह पर सुरक्षा के व्यवस्था की तैनाती की गई है। वहीं अगर देखा जाए तो लगभग कल से ही पुलिस हर एक आसपास के जगहों पर चप्पे चप्पे निगाहें बना के बैठी है और इकाना स्टेडियम से और आपके एयरपोर्ट तक पुलिस की हर एक दस्ता मौजूद रहेगी और डायल 100 जो की निगरानी रखेगी सड़कों पर और साथ ही साथ यातायात को लेकर यातायात जो पुलिस है वो पूरी तरह से चुस्त दुस्त और तैनात है सड़कों के अंदर से कि वहाँ पे इतने मेहमान आएंगे और गाड़ियां आएंगी तो इकाना स्टेडियम के ठीक सामने 5,000 गाड़ियों की अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की गई है जहां गाड़ियों को सुसज्जित तरीके से लगाया जा सके जिससे जाम ना हो सके। और आपको बता दें कि 4 मुख्य दरवाजे बनाए गए, इसमें से 2 दरवाजे आपके जो विधायक होंगे या जो VVIP होंगे उनके लिए रखे गए हैं। वहीं अगर बात करें तो 2 दरवाजे आम जनता के लिए रखे गए हैं जिसमें स्क्रीनिंग के बाद लोगों को अंदर जाने को मिलेगा। जी शिखा जी, विभांशु हर एक सीट की चेकिंग कर ली गई होगी, अब तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देख लिया गया है, साथ ही साथ एम्बुलेंस से लेके फायर ब्रिगेड की गाड़ी से लेके हर एक चीज का इंतजाम किया गया होगा। और क्या कुछ इंतजाम वहां पे देखने को मिल रहा है? कोविड हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, इतना भव्य करा गया है ये कार्यक्रम, एक एक चीज का ध्यान रखा गया है, और क्या कुछ है वहां पे इंतजाम? जी अगर बात करें तो अहम इंतजामों से वहाँ पे आज देश भर से कई ऐसे संत बुलाए गए, चाहे बात की जाए काशी से तो 44 संतों की टीम आई है जो विशेष धुन बजाकर ध्वनि बजाकर और सीएम के सामने शंखनाद करेंगे और उनके शपथ ग्रहण से समारोह से ठीक पहले ऐसे कुछ यूपी से रिलेटेड कुछ चीजें भी वहाँ जो सबसे बड़ी मॉनिटर डिस्प्ले LED लगाई गई है उसपे यूपी से जुड़े ऐसे कई सारे चीजों को भी दिखाया जाएगा दर्शकों को, साथ ही साथ 5 साल के जो कार्यकाल रहे हैं उनको दिखाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के गठन से लेकर और उत्तर प्रदेश के इतिहास को भी LED स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। वहां से बैठे दर्शक और साथ ही साथ जो मीडिया जगत के लोग होंगे उसे कैमरे में कैद कर और एक संचार के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे प्रदेश भर के अंदर में। वहीं अगर बात की जाए तो आज देश भर की नजर आज के शपथ ग्रहण समारोह पे है क्योंकि अगर बात की जाए तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर में जो सबसे बड़ा लोकसभा और सबसे बड़ा विधानसभा सीटों वाला ये प्रदेश जो कि प्रदेश भर में काफी अहम रखता है और अहम योगदान देता है चाहे बात की जाए लोकसभा की चाहे बात की जाए राजस्व की, तो आज के शपथ ग्रहण को देखने के लिए देश के हर एक कोने से लोग आतुर हैं। और वहीं जो भाजपा के समर्थक या भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता उनके अंदर विशेष उत्साह का दिन है। जी विभांशु, तैयारियों को लेके तो हमने काफी चर्चा कर ली, अब बात करें अगर मंत्रियों की तो ऐसा माना जा रहा है कि जो पुराने मंत्री थे वही इस बार भी रिपीट होंगे और 10 नए ऐसे चेहरे होंगे जो कि नए हो सकते हैं, क्या कहेंगे? जी अगर बात करें तो योगी सरकार के लगभग 11 मंत्री चुनाव हार चुके हैं तो माना ये जा रहा है कि इस और आपके समय आपके अगर बात की जाए आयु सीमा की तो ऐसे कई सारे मंत्री हैं चाहे बात की जाए सूर्य प्रताप शाही की चाहे बात की जाए सुरेश खन्ना की जो अपने उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि अभी चाहे वो सक्रिय हो चाहे ये सब चीजें हो, लगभग भाजपा की तरफ से एक नया विशेष प्रावधान लाया गया था लोकसभा के अंदर में कि जो जो व्यक्ति 75 से ऊपर रहेगा उन्हें जिम्मेदारियां नहीं देंगे, उन्हें निवृत्त कर दिया जाएगा, उन्हें निर्वहन नहीं करने दी जाएगी जिम्मेदारियों को। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर में भी आज के कैबिनेट के गठन में जो आज कैबिनेट का लोग जो भी नेता आज शपथ लेंगे तो हो सकता है कि उसमें उम्र का लिहाज किया जाए, तो ऐसे देखा जाए तो कई नए चेहरे भी आ सकते हैं। वही अगर बात की जाए तो इस बार 11 मंत्री चुनाव हारे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो सरोजनी नगर से पूर्व महिला विकास मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काटा गया है तो लगभग 12 से ऊपर। वही ऐसे कई नेता जो कि चाहे बात की जाए दारा सिंह चौहान की चाहे बात की जाए श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो ऐसे कई सारे मंत्रिमंडल खाली हो चुके हैं, मंत्री
पद खाली हो चुके हैं तो नए चेहरों को लाया जा सकता है। वही अगर बात यानी उम्र का ध्यान रखा जाएगा विभांशु, जिस तरह से उत्तराखंड में भी इस बार बड़े चेहरों की छुट्टी हो चुकी है, जो उम्रदराज नेता थे उनकी छुट्टी कर दी गई। पिछले कार्यकाल में भी हमने देखा कि कई नए चेहरों को मौका दिया गया था, इस बार भी ऐसा माना जा रहा है। और एक खबर और सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि दो ही डिप्टी सीएम होंगे विभांशु, तो ऐसा भी माना जा रहा था कि हो सकता है इस बार तीन डिप्टी सीएम बना दिए जाए, लेकिन ये अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है दो ही डिप्टी सीएम होंगे। तो क्या इसमें नए चेहरे होंगे या पुराने चेहरे होंगे, क्या कयास लगाए जा रहे विभांशु? जी अगर बात करें तो इस बार दो ही डिप्टी सीएम होंगे ऐसे माना जा रहा है, मगर अब तक इस पे पुष्टि नहीं हो पाई है और कोई इस पे स्टैंड लेके अभी तक बोल नहीं पाया, और किसी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि दो ही डिप्टी सीएम होंगे, वो शपथ के बाद पता चलेगा। मगर अटकलों की बात करें तो दो ही डिप्टी सीएम की बात चल रहा है। वहीं अगर बात करें तो कुछ केस उत्तराखंड में खटीमा से चुनाव हारने के बाद पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री के पद पे बिठाया गया, तो जिससे आशंकाएं बढ़ गई हैं कि उत्तर प्रदेश के जो 2017 में आपके प्रदेश अध्यक्ष थे और फूलपुर से सांसद थे उस समय केशव प्रसाद मौर्य, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनके पास था और काफी सक्रिय रहे हैं और संगठन को खड़ा करने में काफी उनका योगदान रहा, उन्हें फिर से उप मुख्यमंत्री के चेहरा में कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। और इससे अगर बात करें तो ओबीसीओ में उनकी अच्छी खासी पैठ है और खासकर मौर्य समाज में, तो भाजपा को अगर देखा जाए तो पिछले 8 सालों में मौर्य समाज में अच्छा खासा वोट बैंक बढ़ा, जिसमें कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का योगदान रहा है कि उनके प्रतिनिधित्व की वजह से और ऐसे वोटर्स उनके प्रति आए थे। तो माना यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम के तौर पे केशव प्रसाद मौर्य फिर एक बार शपथ ले सकते हैं। वही अगर बात की जाए तो जी बिल्कुल विभांशु, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सुरेश खन्ना को बुलाया गया सीएम आवास, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनेंगे सुरेश खन्ना, बड़ी खबर सामने आ रही है। शपथ के बाद मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे मंत्री, किसी विधायक को शपथ लेने का संकेत नहीं, संभावित मंत्रियों का कराया गया है आरटीपीसीआर, बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरेश खन्ना को बुलाया गया है सीएम आवास, बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनेंगे सुरेश खन्ना, शपथ के बाद मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे मंत्री, किसी विधायक को शपथ लेने का संकेत नहीं, संभावित मंत्रियों का कराया गया है आरटीपीसीआर। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सुरेश खन्ना को बुलाया गया है सीएम आवास। विभांशु, सुरेश खन्ना को सीएम आवास बुलाया गया है, विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनेंगे सुरेश खन्ना, क्या कहेंगे इस पे? जी अगर बात की जाए तो सुरेश खन्ना जो कि आज अगर बात की जाए तो इस बार के चुनाव में सबसे बुजुर्ग नेता के तौर पे बन के जीत के आए हैं, तो वही उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि वो विधानसभा के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, जिस पर नाम भी चले थे लेकिन अभी उनको बुलाया गया है, जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसके बाद पुष्टि हो पाएगी कि सुरेश खन्ना विधानसभा पर जो अध्यक्ष का जिम्मा है उसे उठाएंगे या नहीं। मगर अभी बारी बारी से नेता योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम आवास में मौजूद है उनसे मिलने जा रहे हैं और उनसे चर्चाएं हो रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी के अंदर में भी नेताओं की चर्चा हो रही है, और वहां से एक दूसरा चर्चा का जो जगह बना हुआ है वो उदयपाद कालिदास मार्ग सीएम आवास बना हुआ है, तो वहां सुरेश खन्ना को बुलाया गया है, वहां दोनों मुख्यमंत्री और वहां मौजूद लोगों से बात होगी, जिसके बाद सुरेश खन्ना भी अपना पक्ष रखेंगे और उन्हें हो सकता है कि वो किसी कारणवश विधानसभा अध्यक्ष के पद पे आसीन ना होना चाहते हो, मगर उन्हें भाजपा में एक अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी विभांशु, ऐसे ये भी कहा जा रहा है कि बृजेश पाठक की भी जिम्मेदारियां बढ़ाई जा सकती हैं, उन्हें भी एक अहम पद दिया जा सकता है, क्या कहेंगे? जिस तरह से उनका 5 साल का कार्यकाल रहा है, उन्होंने अपने पद को जिस तरह से संभाला है, तो किस तरह का पद उन्हें मिल सकता है और बीते कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? जी अगर माना जाए तो एक डिप्टी सीएम जो कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम लगभग तय माना जा रहा है और दूसरे की वेश में बृजेश पाठक भी है। वही बात की जाए तो बृजेश पाठक को अगर जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको साधने के लिए 2024 के अंदर में बृजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि 2017 के चुनाव में जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ब्राह्मणों की संख्या ठीक ठाक है और भाजपा के प्रति ब्राह्मण काफी वफादार रहे हैं, तो इसपे भाजपा की सिरमारी ये रहेगी कि ब्राह्मणों को खुश करने के लिए बृजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि बात की जाए तो विधान परिषद से चुन के आए दिनेश शर्मा को मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के तौर पे 2017 में चुना गया था, मगर देखा जाए तो वो इस बार रिप्लेस होते हुए दिख रहे हैं और उन्हें संगठन में जिम्मेदारी मिलते हुए दिख रही है, तो अटकलें लगाई जा रही है कि बृजेश पाठक को इस बार डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। मगर अगर बात की जाए तो
जो जी जिम्मेदारियां तो बढ़ाई जाएंगी और नए चेहरों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। विभांशु, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी बीच योगी की नई टीम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कॉल के इंतजार में मंत्री बनने वाले विधायक। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, 12 बजे तक नहीं किया जाएगा कॉल। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, 12 बजे के बाद किया जाएगा कॉल, भावी मंत्रियों को फोन किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, योगी की नई टीम को लेकर सस्पेंस बरकरार है, कॉल के इंतजार में मंत्री बनने वाले विधायक। तो कई विधायक है जो कि मंत्री बनने के इंतजार में, कुछ घर जाएंगे तो कुछ मंत्रिमंडल जाएंगे। 12 बजे के बाद इन्हें फोन किया जाएगा कॉल के इंतजार में सभी मंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 12 बजे तक किसी भी भावी मंत्रियों को फोन नहीं किया जाएगा। योगी की नई टीम को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है, 12 बजे तक नहीं किया जाएगा किसी को कॉल, लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में होगा शपथ ग्रहण समारोह, समारोह से पहले प्रशासन अलर्ट, एयरपोर्ट से इकाना तक पुलिस का पहरा, 6000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक। लखनऊ में होगा शपथ ग्रहण समारोह, समारोह से पहले प्रशासन अलर्ट, एयरपोर्ट से इकाना तक पुलिस का पहरा, 6000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक। लखनऊ में होगा शपथ ग्रहण समारोह, समारोह से पहले प्रशासन हुआ अलर्ट, एयरपोर्ट से इकाना तक पुलिस का पहरा, 6000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को किया गया अलर्ट, तैनात किया गया है नई कॉल के इंतजार में मंत्री बनने वाले विधायक। बारह बजे के बाद फोन किया जाएगा भावी विधायकों को, आज शपथ ग्रहण समारोह है। और ऐसे में अभी भी योगी के मंत्रियों पे सस्पेंस बना हुआ है, नई टीम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, कॉल के इंतजार में मंत्री बनने वाले विधायक बैठे हुए हैं। 12 बजे तक किसी को भी कॉल नहीं किया जाएगा, 12 बजे के बाद ही कॉल किया जाएगा कि कौन मंत्री बनने वाला है। अभी अंदरूनी बातचीत, अंदरूनी बैठक चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अभी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर योगी की टीम में कौन कौन होगा, नई टीम किन मंत्रियों के साथ बनेगी। 12 बजे तक किसी को भी कॉल नहीं किया जाएगा, सस्पेंस बरकरार होगा। अभी ये सूचना लीक नहीं की जा रही किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, कौन कौन मंत्री योगी की टीम में शामिल होगा, लेकिन 12 बजे बाद कॉल करके ये जानकारी दी जाएगी। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से सस्पेंस बरकरार है योगी की टीम का और 12 बजे तक कॉल नहीं किया जाएगा, सस्पेंस में मंत्रियों को भी रखा जाएगा, 12 बजे के बाद कॉल करके उनको जानकारी दी जाएगी, तो किस तरह से देखते हैं इस बड़ी खबर को? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर इसके पहले बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री आवास पर आज 10 बजे मुलाकात होगी, जो भी मंत्री जो आज शपथ लेने वाले हैं उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चाय पर किया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। और अब बताया जा रहा है कि 12 बजे तक उन्हें इंतजार कर, अभी यहाँ पे भी आया नहीं है, देख ले रहे हैं, नंबर ले लिए हैं यहाँ का भी, मेरे अकाउंट से कट गया है। जी नितिन, जिस तरह से भावी मंत्रियों को फोन किया जाएगा 12 बजे के बाद, सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से बैठकें हुई है तो कुछ संभावनाएं तो हो रही होंगी, मंत्रियों को पता भी होगा कि हमें मौका मिल सकता है, हम घर जाएंगे या फिर मंत्रिमंडल जाएंगे, कुछ तो जानकारी होगी, तो क्या निकल के सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए शिखा, ऐसा है कि बहुत से ऐसे नाम है जिन पर लगभग मोहर तय है। जी, जो पुराने कैबिनेट में थे या पुराने राज्य मंत्री थे उनमें से बहुत से ऐसे नाम है जिन पर लगभग मोहर लगनी तय है कि वो मंत्री इस बार भी बनाए जाएंगे। जी, लेकिन कुछ इक्का दुक्का ऐसे नाम है, कुछ ऐसे प्रमुख नाम है, कुछ महिलाओं के नाम है जिस पर सस्पेंस जो है वो अभी भी बरकरार है। जैसा कि अगर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कहीं ना कहीं संशय ये बना हुआ है कि महिलाओं को तरजीह दी जा सकती है, और इस महिला ब्रिगेड में अगर हम बताएं तो अंजुला माहौर का नाम है, बेबी रानी मौर का नाम है, सरिता भदौरिया का नाम है। जी, इन सब नामों पर कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ये जरूर है कि कुछ जो नाम है नए उन नामों पर चर्चा होनी है, क्योंकि 10 से 11 मंत्री जो है वो चुनाव हारे थे। जी, कुछ को सरकार खुद हटाएगी पुराने मंत्रिमंडल में से, तो जो नए नाम है उन नामों पर अभी भी संशय जो है वो बना हुआ है। और बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनकी सांसें इस वक्त फूल रही होंगी कि क्या इस बार उनका नाम आएगा या नहीं आएगा। जी, ये देखना है नितिन। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि सूत्रों के वाले से खबर सामने आ रही है कि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो रिपीट होंगे योगी के दूसरे कार्यकाल में 2.0 में, जिस तरह से
बड़े चेहरे हैं, जो उम्रदराज लोग हैं उन्हें हटाया जा रहा है, युवा चेहरों को तो मौका दिया जाएगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिनके पीछे अच्छा खासा जनता का समर्थन है, उन्हें फिर से जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में? बिल्कुल साफ तौर पर मैं उसी चीज को कह रहा था शिखा, कि पुराने बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको जगह मिलने वाली एक बार फिर से, जिसमें नंदगोपाल नंदी हो गए, सिद्धार्थ नाथ सिंह हो गए, लक्ष्मी नारायण चौधरी हो गए, सूर्य प्रताप शाही हो गए, इस तरह के जो बड़े सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, जिन्होंने पिछला 5 साल एज अ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है या उत्तर प्रदेश को दिया है, उनके नाम पर तो किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है, वो लगभग फाइनल है कि वो इस बार भी मंत्री बनेंगे। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर अभी भी चर्चा जो है वो काफी बनी हुई है, क्योंकि जो 11 मंत्री जो चुनाव हारे हैं उनकी भरपाई कैसे करी जाएगी, जिन्होंने चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उनकी जगह किसको दी जाएगी? लेकिन नितिन, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि जो नेता हारे हैं उनको उनके कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड पे भी हमने देखा जिस तरह से धामी को फिर से उनकी कुर्सी दी गई है, सीएम बनाया गया है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी इसी तर्ज पर आगे चल रहा है, क्योंकि उनके काम को देखा गया, ये नहीं देखा जा रहा है कि वो जीते हैं या हारे हैं। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ऐसा नहीं है कि पुराने मंत्रियों को बिल्कुल से दरकिनार कर दिया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुराने मंत्रियों में जो चुनाव हारे हैं उनको भी जगह दी जाएगी, उनको भी कहीं ना कहीं सिस्टम में बैठाया जाएगा कि किसी भी तरह से जो कार्यकर्ता है। ऐसे कौन से चेहरे हैं जो उम्र दराज है, क्योंकि हमने पिछले चुनाव में उत्तराखंड में दोनों में देखा कि उम्र दराज चेहरों को कहीं ना कहीं पदभार से मुक्त किया गया है, उनकी उम्र को देखते हुए नए चेहरों को मौका दिया गया है, तो उम्र दराज कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें उनके पदभार से मुक्त किया जा सकता है? देखिए बहुत से ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिन पर प्रभार से मुक्त किए जाने की बात चल रही है, जिसमें देखिए हृदय नारायण दीक्षित, उनको चुनाव ही नहीं लड़ाया गया था इस बार, तो उनका नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए चल रहा था, पहले विधानसभा अध्यक्ष थे लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ा है, तो जाहिर सी बात है उनका नाम किसी भी तरीके से मंत्रिमंडल से लेकर के या फिर कहीं पर भी शामिल नहीं हो सकता। मुकुट बिहारी वर्मा, उनकी भी उम्र ठीक ठाक हो चुकी है, उनको भी इस बार कहीं ना कहीं बाहर रखा जाएगा मंत्रिमंडल से, उनको भी मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बताएं सूर्य प्रताप शाही, वो भी बीजेपी के अब वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और सीनियर हो चुके हैं, उम्र उनकी भी ठीक ठाक हो चुकी है, कृषि मंत्री थे पिछली सरकार में, उन पर भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है कि क्या उनको जगह दी जाएगी कि नहीं दी जाए। तो इस तरह के कई ऐसे कुछ बड़े नेता हैं जिनको अब संगठन में जगह दी जाएगी, उन्हें मंत्री या फिर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी, ऐसा जो सूत्रों से खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो है। और दूसरी चीज, इन्हीं खाली पदों पर भर्ती करनी है, नए चेहरों को बैठाना है, तो वो कैसे बैठाया जाएगा, कैसे नहीं बैठाया जाएगा, उस पर विचार विमर्श जो है वो अभी भी बरकरार। जी नितिन, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ये 2024 के लिए भी एक फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, जमीन तैयार की जा रही है, तो जिस तरह से मंत्रियों का चयन होगा तो उससे आने वाले 24 पे भी फर्क पड़ेगा, आने वाले चुनावों पे भी फर्क पड़ेगा, तो क्या इसमें बीच में भी बदलाव हो सकता है, 2024 के चुनाव से पहले भी बदलाव किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं या इस बात पर हम जिक्र कर रहे हैं कि 24 को लेकर के हम रणनीति बनाएंगे, तो देखिए भविष्य किसी ने नहीं देखा है शिखा, भविष्य में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ रहेगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है भविष्य को लेकर के। तो ऐसे में ये कहना सही नहीं होगा कि अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए वो 24 तक चलता रहे या 24 के बाद भी चलता रहे। ऐसा भी हो सकता है कि जिन मंत्रियों को अभी बनाया जा रहा है बीच में रिशफल करके उनको हटाया जाए, नए लोगों को जगह दी जाए, जातिगत समीकरण को सही से बैठाया जाए, तो ये सब जो गुणा गणित है ये सरकार का अपना गुणा गणित होता है। अभी सरकार के सामने समस्या ये है और प्रमुखता सरकार को यही दिखानी कि जो उनके लिए बेहतर काम करके आया है, चुनावों में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जनता के बीच से वोट लेकर के आया है, तो उसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, उसे ज्यादा इज्जत दी जाए, संगठन में जिसने बेहतर काम किया है, चुनाव जितवाया है, उन लोगों को उनका कद बढ़ाया जाए। तो ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श चर्चा चल रही है। 24 के प्लान की अगर बात की जाए तो 24 के प्लान को देखते हुए कहीं ना कहीं अभी से रणनीति जरूर बीजेपी ने बनाई होगी। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको इसीलिए लाया ही गया है, चाहे वो बेबी रानी मौर्य की बात कर लें या फिर स्वतंत्र देव सिंह की बात कर लें या फिर हम केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया था तब भी इस बात की चर्चाएं थी कि ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश करी गई और उस पर काफी कामयाब भी बीजेपी हुई है। तो इन चेहरों को इसीलिए चुनाव में
सक्रिय किया गया राजनीति में उत्तर प्रदेश की बीजेपी ने सक्रिय किया। जी एक बड़ी चीज ये भी नितिन सामने आ रही है कि जिस तरह से बीजेपी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, 24 की तैयारी भी कर रही है और जिस तरह से सीएम चेहरों की बात हो रही है, तो क्या इस बार भी जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि दो ही डिप्टी सीएम होंगे, तो क्या इस बार भी एक ओबीसी या एक जनरल कैटेगरी का कोई डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? जिस तरह से हमने देखा कि इस बार दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य थे, तो इस बार भी क्या मौर्य में केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं एक अगर पंडित चेहरे की बात करी जाए, ब्राह्मण चेहरे की बात करी जाए, तो उसमें ब्रजेश पाठक हो सकते हैं? देखिए अभी हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अनुमान लगभग पूरे भी है शिखा, क्योंकि अगर ओबीसी वोट बैंक की बात की जाए तो ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को 2017 में जिम्मेदारी दी गई थी एज अ डिप्टी सीएम, और उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष की उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीत करके आई थी। तो ऐसे में अभी तक तो ये लगभग फाइनल है कि केशव प्रसाद मौर्य ही है पहले डिप्टी सीएम, क्योंकि वो चुनाव भी हालांकि हारे हैं, तो ऐसा जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में भी मैसेज जाना जरूरी है कि अगर कोई नेता जो सक्रिय है राजनीति में, जिसने बीजेपी को बहुत कुछ दिया है, अगर वो चुनाव हार भी रहा है तब भी बीजेपी उसके लिए खड़ी है, उसके साथ खड़ी है। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर तो लगभग मोहर लगी हुई है। दूसरा चेहरा अगर बात की जाए, जैसा कि अभी आपने कहा ब्राह्मण वो चेहरा कौन होगा, तो ब्राह्मण चेहरा दिनेश शर्मा थे, 2017 में उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, 5 साल का काम उन्होंने किया है, 5 साल एज अ डिप्टी सीएम उन्होंने उत्तर प्रदेश में बिताए हैं, और ब्राह्मण चेहरा भी है। तो ऐसे में अभी तक तो यही लग रहा है कि डिप्टी सीएम के रूप में दिनेश शर्मा का नाम ही फाइनल होना है, किसी और चेहरे पर मोहर लगना अभी तक तो ऐसा जी बिल्कुल। नितिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो यहाँ एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो जिस तरह से सुरेश खन्ना को बुलाया गया सीएम आवास, बड़ी खबर सामने आ रही है, विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनेंगे सुरेश खन्ना, शपथ के बाद मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे मंत्री, किसी विधायक को शपथ लेने का संकेत नहीं, संभावित मंत्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया गया, सुरेश खन्ना को बुलाया गया सीएम आवास, विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनेंगे सुरेश खन्ना, शपथ के बाद मुख्यमंत्री से मिलेंगे सुरेश खन्ना, बड़ी खबर सामने आ रही है, किसी विधायक की शपथ लेने की बात नहीं, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सुरेश खन्ना को बुलाया गया सीएम आवास, विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनेंगे सुरेश खन्ना, शपथ के बाद मुख्यमंत्री से मिलेंगे सुरेश खन्ना, किसी विधायक को शपथ लेने का संकेत नहीं, बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, जहां सुरेश खन्ना को बुलाया गया है सीएम आवास, विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनेंगे सुरेश खन्ना, संभावित मंत्रियों का कराया गया आरटीपीसीआर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 70 लोगों का हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट, 50 एमएलए एमएलसी का हुआ कोविड टेस्ट, पार्टी के 20 पदाधिकारियों का भी हुआ टेस्ट, जिनका टेस्ट हुआ वही मनेंगे मंत्री। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 70 लोगों का हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट, 50 एमएलए एमएलसी का हुआ कोविड टेस्ट, पार्टी के 20 पदाधिकारियों का भी हुआ टेस्ट, जिनका टेस्ट हुआ वही बनेंगे मंत्री, बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की लखनऊ से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, 70 लोगों का हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट, 50 एमएलए एमएलसी का हुआ कोविड टेस्ट, पार्टी के 20 पदाधिकारियों का हुआ टेस्ट, जिनका टेस्ट हुआ वही बनेंगे मंत्री, हालांकि अभी इनका नाम सामने नहीं आया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मंत्रियों का कोविड टेस्ट कराया गया है, लगभग 70 लोगों का हुआ है आरटीपीसीआर टेस्ट, 50 एमएलए एमएलसी का हुआ है कोविड टेस्ट, पार्टी के 20 पदाधिकारियों का हुआ है कोविड टेस्ट। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़े हुए हैं। नितिन, सबसे पहली और बड़ी खबर कि कोविड टेस्ट कराया गया है, 70 नेताओं का, 70 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है, और जिनका टेस्ट कराया गया है वही मंत्री बनेंगे,
तो इसमें संशय बना हुआ है कि आखिर कौन से मंत्री, 70 मंत्रियों का टेस्ट कराया गया, उनमें से कौन से मंत्री बनेंगे? इस वक्त मंच पर जो मंच बनाया गया है उस मंच पर 70 कुर्सियां लगाई गई हैं जी। और 70 कुर्सियों में से 48 कुर्सियां अलग लगी हैं और बाकी की जो 22 कुर्सियां हैं वो अलग लगी हुई हैं जी। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब 51 लोगों का आज शपथ होना है। 48 मंत्री होंगे उसमें, जो राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, इन सबको मिला करके, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री को मिला करके 51 लोग हो जाएंगे जी। इनका शपथ ग्रहण होगा और इसके अलावा 22 कुर्सियां जो है वो विशिष्ट अतिथियों के लिए है, जो मुख्य अतिथि के रूप में या फिर मेहमान के रूप में, जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं जी। उन लोगों के लिए 22 कुर्सियां जो है वो आरक्षित की गई हैं। तो अब आप देखना ये होगा कि सबसे अहम कि आज कौन कौन वो लोग हैं जो शपथ लेंगे। अब सबसे अहम चीजें अगर हम आपको बताएं तो डिप्टी सीएम के लिए नाम लगभग फाइनल है, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि दिनेश शर्मा के नाम पर चर्चा ये चल रही है कि ब्रजेश पाठक का नाम डिप्टी सीएम के लिए हो सकता है, लेकिन अभी वो संभावित है, कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि ज्यादातर जो चांसेस हैं वो दिनेश शर्मा के ही बने हुए हैं, क्योंकि दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरा है, यानी रिपीट हो सकते हैं इस बार भी डिप्टी सीएम। हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर कि दोनों जो पुराने वाले डिप्टी सीएम थे वही इस बार भी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कंटिन्यू कराए जाएंगे, ऐसा लगभग अब तक निकल के सामने आया है। इसके अलावा सुरेश खन्ना काफी उम्र दराज हो चुके हैं, पिछली बार अगर हम देखें तो विधानमंडल के नेता भी थे बीजेपी के, और दूसरी चीज अगर बात करी जाए तो वित्त मंत्रालय भी उन्होंने संभाला है, 9 बार जीत कर आए हैं, शाहजहांपुर से जीत चुके हैं, इस बार फिर से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। लेकिन उम्र हो जाने की वजह से और बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा सीनियर लीडर नहीं है जो जिसकी उम्र भी हो गई हो और इतना एक्सपीरियंस वाला जो 9-10 बार जीत कर आ चुका हो, तो उसमें सुरेश खन्ना भी एक नाम है जो कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष के लिए काफी अहम दावेदारी पेश करते हैं। लेकिन अब पार्टी किस हिसाब से क्या गुड़ा गणित भिड़ाएगी, किसको स्पीकर बनाएगी, किसको स्पीकर नहीं बनाएगी, ये अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन ये जरूर है कि आज की शपथ ग्रहण के बाद सुरेश खन्ना को लेकर के जो अटकलें हैं उन अटकलों पर भी कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो उस पर विराम लग जाएगा। मंत्रिमंडल की बात की जाए तो नंदगोपाल नंदी का नाम सबसे अहम है, नागरिक उड्डयन मंत्री थे पिछली बार, इस बार भी उन्हें कैबिनेट में जगह मिलने वाली है, ये पक्का हो चुका है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण चौधरी के नाम पर भी लगभग मोहर है, ब्रजेश पाठक के नाम पर मोहर है, कुछ जो मंत्री पिछली सरकार में थे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी या फिर उनका काम सही नहीं था उनको जिनको हटाया गया है, जैसे कि हम अगर आप बताएं तो स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, दारा सिंह चौहान हो गए, राजेंद्र प्रताप सिंह मोदी चुनाव हार गए हैं, सुरेश राणा चुनाव हार गए हैं, तो इन जगहों को कैसे फुलफिल किया जाएगा, कौन से चेहरों पर विचार विमर्श करने के बाद मोहर लगी है, ये देखना अहम है। इसके अलावा जो अलग अलग बेल्ट है उत्तर प्रदेश की, जहां से अलग अलग लोगों के वोट को खींच करके बीजेपी के नेता लेकर के आए हैं, जिसमें हम पश्चिम सबसे अहम है क्योंकि पश्चिम में ही सबसे अहम लड़ाई बताई जा रही थी किसान और जाट वोट की, तो वहां पर सबसे मजबूत अगर जिम्मेदारी किसी ने निभाई है तो वो संजीव बलियान है। हालांकि संजीव बलियान इस वक्त केंद्र में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मंत्री हैं केंद्र में, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है, ऐसा भी सूत्रों के अनुसार निकल के चीजें सामने आई हैं, क्योंकि पश्चिम में उन्होंने काफी मेहनत की थी और जाटों का, यानी केंद्र के मंत्रियों को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता बनता है और 24 की तैयारी पूरी करी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। तो पूरी तैयारी में बीजेपी है और आने वाले चुनावों के लिए पूरी सतर्कता के साथ एक एक निर्णय ले रही है, एक एक मंत्री का चुनाव इस तरीके से किया जा रहा है कि आने वाले जो चुनाव है 2024 के जो चुनाव है उसमें काफी फायदा मिल सके पार्टी को। तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह है आज, एक भव्य ऐतिहासिक दिन है बीजेपी के लिए, तो उसको और भव्य बनाने की पूरी कोशिश में है। इतना ही नहीं, जिस तरह से कोरोना काल हमने देखा तो कोरोना काल में भी जिस तरह से संभाला है और अभी भी कोरोना के मामले कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं और इस भव्य समारोह में कोई खलल ना पड़े इसके लिए कोविड टेस्ट भी मंत्रियों का कराया जा रहा है, जो सीएम के और पीएम के साथ होंगे मंत्री उनका कोरोना टेस्ट कराया गया है।
शपथ ग्रहण की पूरी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।